क्या जाने मेरे प्यार को, अरे तू क्या जाने मेरे प्यार को, तूने तो मुझे ठुकराया था, जहाँ गाड़ी पहले गियर पे दम तोड़ दे वहां तेरे यार ने पिकअप चलाया था। वाह 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 वाह। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग आप देख रहे होंगे, तो मैं हूँ त्यूड़ी गांव में, अपनी नानी के गांव में, और यहाँ पे हो रहा है मेरे मामा का लड़के का शादी। और आगे आप मेरे वीडियो में बने रहें तो देखें पहाड़ में शादियाँ कैसी होती हैं, और खासकर मेरे ननिहाल में। तो साथ में कीर्तन भजन भी हो रहे हैं, और मैं अब थोड़ा सी चूल्हे की ओर जा रही हूँ, वहाँ पे बन रहे हैं पहाड़ी कलियो अरसा, तो उसको बनाते देखते हैं कैसे बनाते हैं। कीर्तन मंडल के लिए नाश्ता ले जा रहे हैं मामा जी। दादा देखो ना, मेरे छोटे मामा को दिखा। जा तू भी जा, तू भी जा। चलाते मन दे पा। चल। बड़ा वाह, बड़ा दौड़ी दौड़ी के देखा। बनी बनी दे 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 है भैया, इधर देखो। अच्छा अच्छा, वाह, मैं ये दिखा दिया। ये हमने अभी अभी ये बनाया है, देखो ये आर से, ये हम आर से बना रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल किसका है? सिद्धपीठ कालीमठ विनीता राणा जी। जी हम उसके मामा जी है। ये देखो, अभी देखो कैसे बनाते हैं हम आपको। और गाइस दीदी आओ, चले चलो चले। दीदी तो हाथ गा रहा है। ये देख मान से ना, ए बड़ा इन्हें देखा। ये है कलियो वाला, ये आर्ट से है, कड़वाली आर्ट से बोलते हैं, जिसको आर्ट से बहुत अच्छे है। ये कड़वाल के अंदर जब शादी ब्याह इस तरह होते हैं तो हमारे यहाँ रोटना और आर्ट से बनाते हैं। आर्ट से ये गुड़ की चास बनाकर और चावल ओखले में कूट कर, जो पहाड़ी परंपरा है उस तरह हम बनाते हैं इसको। और ये हमारे यहाँ जिस तरह में जितने मेहमान आएंगे, बहुत सालों से चल रही है, नहीं पुरानी परंपराएं के अनुसार हम इसको बनाते हैं। और ये जब हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो हम उनको एक एक थैली देंगे। कलियो बोलते हैं ना, कलियो दे, मतलब कलियो बोलते हैं, छलियो कलियो, कलियो ए लोड़ा तो यहां के अन्न बनो। ये है हमारी परंपरा। और इसकी आपको भी बनाया जाता है गुड़ पे, चास में भी इसको चास जब तक चास नहीं बनेगी तब तक इसका तुम्हें बनाने का प्रोसेस पढ़ लेगी। नहीं तुम तो बोल रहे हो, ये है कलियो, इसको होते ऐसे तलते हैं, इसको पकोगे तो गुलगुले होते हैं वैसे। ये देखो ये खाने लग गई, मुझे भी दो। पहाड़ी कलियो अरसा बोलते हैं इसको, ये चावल से बनते हैं, चावल को कूट के बनाए जाते हैं गुलगुले जैसे। हाँ तो गुलगुले जैसे बनाते हैं, जैसे आटे के बनाते हैं वैसे चावल के बनते हैं। और ये सूप भी होते हैं शादियों में, तो देखो सारे खा रहे हैं। दूल्हे राजा को भी दिखाओ, ये कैसे खा रहे हैं। अरे कई महीने चलते हैं, ये बोल रहा है कल वहां। ये भैया भैया चिप रहे हैं। दीदी के सब्सक्राइबर मेरे पे तनवा ले। ये मोहम्मद कभी जाने रहा हूं, कभी कभी उसको लग रहा है कल तोसी में उसको खाना मिलता है नहीं मिलता। नहीं यार कहीं नहीं पास हूं, कुछ जेब में भी रख रहा है कल के लिए, रास्ते के लिए। नहीं परसों में अनाज की बहुत कमी है। मैंने ये परसों के लिए, हां परसों के लिए भी रख रहा है। सामने वाला मेरे छोटे मामा का घर है, और ये पीछे वाला बड़े मामा का घर है जहाँ पे शादी हो रही है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पीली पीली सरसों का खेत, कितना सुंदर लग रहा है ना। घरिया रे घरिया, सरसों के घर पे, और यहाँ पे ना कीर्तन भजन शुरू हो गए हैं। अब
चलते हैं कीर्तन में। तो खाना भी हमने खा लिया है और अब कीर्तन में चलते हैं। में की चौक माँ।
चलो अरे शुरू करो बच्चों चलो चलो कोई बात नहीं घोर चित अच्छा तू छोड़ यार तू अभी छोटी लौटी थी गुरु जी बोला बाढ़ में जी अभी दूसरा रात की आठ और खाने के लिए ना वहाँ खेत में जाना पड़ेगा जहाँ पे कलियो और सा बन रहा था। अब नहीं बोलती, अब उसको पूछो क्या बोलती है। ये पीछा है इसको नहीं मिला खाना, ये खड़ी और की है। गाइस ये मेरे को खाना दे रहे हैं। गाइस ये देखो खाली पता दे रहे क्या को रोट दिया मत जरा दिला क्या करो यहाँ पर चाय पी रही है ये रात को चाय पीती है ये बुढ़ली ना ये तो जवान छे ये खाना खान जे नहीं सकते नी तो ये सब खाना खा के आ गए इतने ठंड में ना खाना खाना यहाँ बहुत मुश्किल है। मैं 15 साल की हूँ, 16 की है। अभी हाथ गर्म कर रहे हैं सब खाना खाने। खाना ऐसा और कहता जैसे फ्रिज में रखा होगा, इतनी ठंड है यहाँ पे। मेरा भाई आपको शायरी सुनाने वाला है। हाँ तो सुना भाई। तू अरे तू क्या जाने मेरे प्यार को, अरे तू क्या जाने मेरे प्यार को, तूने तो मुझे ठुकराया था। जहाँ गाड़ी पहले गियर पे दम तोड़ दे, वहाँ तेरे यार ने पिकअप चलाया था। अरे तू क्या जाने मेरे प्यार को, अरे तू क्या जाने मेरे प्यार को, तूने तो मुझे ठुकराया था। जहाँ गाड़ी पहले गियर पे दम तोड़ दे, वहाँ तेरे यार ने पिकअप चलाया था। वाह 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 वाह। एक और पिकअप चलाया था तेरे आने पे, मैंने पिकअप चलाया था। किस्मत आजमा ली है, नसीब आजमा रहा हूँ। अरे किस्मत आजमा ली है, नसीब आजमा रहा हूँ। और किसी बेवकूफ और उस बेवकूफ के लिए मैं पिकअप चला रहा हूँ। वाह 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 वाह। कल की तैयारी हो रही है। ठंड के मारे ये है सोने का तरीका। कपड़े दिख रहे हैं सारे अलमारी। वो जो चाची अरे चीज खराब थी नीची नीची
तो अभी रात की ना 9 बज चुके हैं और सब लोग खाना खा के सो गए हैं और कुछ लोग चूल्हे पे बैठे हुए हैं और हम पता क्या कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे। और मेहंदी अभी मेरी छोटी वाली मामी लगा रही हैं क्योंकि उनको कल काम करना है, तो वो मेहंदी लगवा रही हैं रात में। और कल मेहंदी फंक्शन तो कल है, पर कल चाय पानी फिर रिश्तेदार बहुत सारे आ जाएंगे तो उनकी सेवा पानी करनी है, तो हाथ में मेहंदी रहेगी तो लोग बोलेंगे यार इनके घर में सेवा भी नहीं कर रहे हैं, चाय पानी नहीं पिला रहे, इसलिए ये पहले ही रात को ये काम कर रहे हैं। पूरा अपना हाथ में मेहंदी लगा देंगे तो कल सिर्फ फोटो खींचेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको कहाँ दिखाएंगे, तोसी गांव दिखाएंगे जो लास्ट गांव है। कल शाम को मेहंदी, हाँ कल शादी, अरे कल तो मेहंदी है ना। कल आपको मेहंदी का वीडियो दिखाएंगे कैसे मेहंदी होती है यहाँ पे और दिन का खाना वगैरह, और पूरा जब धूप लगेगी तो पूरा त्योड़ी गांव का लोकेशन आपको दिखाएंगे। तो अब उसके बाद दिखाएंगे आपको तोसी गांव, तो कैसा है तोसी गांव, हम भी पहली बार जा रहे हैं ना। हाँ, तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नई वीडियो में। हाँ इसी नई वीडियो में हाथ धो लो ये।